हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन जुडिशियल सर्विस। टुडे वी आर डिस्कसिंग हियर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। दिस वीडियो इज द 11th पार्ट ऑफ टॉप 1000 एमसीक्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एंड इफ यू आर नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो, ऑल द लिंक ऑफ प्रीवियस वीडियोज आर अवेलेबल इन अवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड दोज हु वांट द PDF फाइल ऑफ दिस वीडियो सीरीज, द PDF फाइल विल बी अवेलेबल टुडेज इन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप। यू मे ज्वाइन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू द लिंक। नाउ कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 216, इन विच रीसेंट केस द मीनिंग एंड रेशनल ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज बीइंग डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड और स्टेटूस। ऑप्शन ए हियर, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस भालू राव रंजाबराव गवांडे। ऑप्शन बी हियर, राजेंद्र अरोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी हियर, नरेश कुमार गोयल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी हियर, AK राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सो क्लियरली आंसर हेयर ऑप्शन डी, AK राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द मीनिंग एंड रेशनल ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 3। सो आंसर हेयर ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 217, आर्टिकल 21 नाउ प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ सिटीजन नॉट ओनली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्शन। एंड द केस इज ऑप्शन ए मिनेरवा मिल, ऑप्शन बी AK गोपालन, ऑप्शन सी मेनका गांधी, ऑप्शन डी केशवानंद भारती। सो क्लियरली आंसर हेयर ऑप्शन बी, AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। सो आंसर हेयर ऑप्शन बी। इन दिस केस डिस्कस द आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन, नॉट हियर सिटीजन राइट हियर, बट इट इज अगेंस्ट द पर्सन, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्शन। सो क्लियरली आंसर हेयर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 218, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट अ स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो नाउ द स्टेट कैन प्लेस द रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी एंड हेल्थ बट जस्ट सोशल जस्टिस इज नॉट अवेलेबल देयर। सो क्लियरली आंसर हेयर ऑप्शन सी, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल जस्टिस द स्टेट कैन नॉट मेक द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 219, अरेंज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन फंडामेंटल राइट रिलेटिंग टू अ पर्सनल लिबर्टी इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सो लुक एट हियर, सो फर्स्ट वन इज केस हियर मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हियर। सेकेंड केस हियर ADM जबलपुर वर्सेज शिवाकांत शुक्ला, एंड ऑप्शन पॉइंट थ्री हियर AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। सो आई राइट हियर ऑल द सिटीजंस ईयर ऑफ दिस केसेस। सो फर्स्ट केस हियर AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, दिस वॉज द फर्स्ट केस एंड इट वॉज द ईयर इज हियर 1950। एंड ADM जबलपुर वर्सेज शिवाकांत शुक्ला केस हियर, ईयर इज 1976। एंड मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978। सो दिस वन इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो ऑप्शन हियर ऑप्शन ए, क्लियरली ऑप्शन ए इज करेक्ट 3-2-1। नाउ क्वेश्चन नंबर 220, एन एक्यूज पर्सन हैज बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग प्रोटेक्शन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए हियर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ऑप्शन बी हियर, ऑप्शन पॉइंट टू हियर सेफ गार्ड अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, ऑप्शन पॉइंट थ्री हियर डबल जियोपार्डी। सो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 20 क्लॉज फर्स्ट, एंड Doctrine of double jeopardy also provided in Article 20 clause 2nd, and safeguard against the arrest and detention is provided in Article 22 because Article 20 clause 3 provide the rule of protection against the self incrimination. So this thing is there. So first, second, third. So clearly answer here option A, first, third and two. So this one is first point and this one is second point and this is third. So this is sequence is there. Answer here option A. Now question number 221, which one of the following pair is correctly matched? Now option A here, writ of habeas corpus.
सो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल. यस, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट, बट देयर इज ओनली वन ऑप्शन देयर इन प्राइवेट इंडिविजुअल नॉट गिविन द प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ अगेंस्ट स्टेट, बट इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल. सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट हियर. नाउ ऑप्शन बी हियर, रिट ऑफ को वारंटो. सो रिट ऑफ को वारंटो अवेलेबल अगेंस्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट ओनली. सो रिट ऑफ को वारंटो अगेंस्ट एनी एग्जीक्यूटिव बॉडी लाइक स्टेट, इफ हाई कोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट इशूज द रिट ऑफ को वारंटो इन एनी एग्जीक्यूटिव बॉडी विद इन द स्टेट टेरिटरी लाइक पब्लिक स्टेट पब्लिक कमीशन चेयरमैन मे रिमूव्ड बाय द हाई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिट मीन्स रिट ऑफ को वारंटो. सो इट इज नॉट ओनली अगेंस्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी. सो एनी पर्सन हु इज इलीगली ऑक्यूपाई द एनी पब्लिक ऑफिस इन दैट टाइम द कोर्ट इशूज द रिट ऑफ को वारंटो. सो ऑप्शन सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग हियर. नाउ ऑप्शन सी, रिट ऑफ सर्टररी इट अवेलेबल अगेंस्ट ऑटोनोमस बॉडी ओनली. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग हियर. रिट ऑफ सर्टररी अगेन अवेलेबल अगेंस्ट द क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल बॉडी विच आर सबऑर्डिनेट इन पर्टिकुलर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. सो इट इज क्लियर हियर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग हियर बिकॉज इट शोज द ऑटोनोमस बॉडी. नाउ ऑप्शन डी हियर, रिट ऑफ प्रोविजन. रिट ऑफ प्रोविजन अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ओनली. सो दिस वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सो क्लियरली आंसर हियर ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 222, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ऑप्शन ए हियर, राइट टू इक्वेलिटी. सो राइट टू इक्वेलिटी इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. यस, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर बिकॉज राइट टू इक्वेलिटी इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड विच इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14 to 18. सो दीज आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इक्वेलिटी एंड इंक्लूड नेचुरल जस्टिस. नाउ ऑप्शन बी हियर, प्रोटेक्स राइट टू पर्सनल लिबर्टी. सो राइट टू पर्सनल लिबर्टी स्पेशली डील इन आर्टिकल 20, 21 एंड दीज आर्टिकल 23. दीज आर रिलेटेड टू राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड इंक्लूड राइट टू लिवलीहुड. यस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट हियर बिकॉज राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड राइट टू लिवलीहुड. ऑप्शन सी हियर, प्रोटेक्शन अवेलेबल टू एक्यूज पर्सन इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो. यस, दिस इज अवेलेबल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. लॉ इन सिविल केसेस, यस दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड इन ओनली इन क्रिमिनल केस बिकॉज इन सिविल केस लेजिस्लेट एनी सिविल लॉ एग्जीक्यूटेड इन द पर्टिकुलर स्टेट और इंडिया एज अ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन मैटर ऑफ सिविल केस. सो क्लियरली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नाउ लास्ट ऑप्शन डी, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इंक्लूड राइट टू कंसल्ट टू बी द डिफेंडेंट बाय लॉयर्स ऑफ वन ओन चॉइस. यस, इट इज क्लियरली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 22 clause 1. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 223, द एसर्शन ए, एन एक्यूज पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव हीज थंब इंप्रेशन. रीजन, एन एक्यूज पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. यस, दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 20 clause 3. बट दिस असर्शन इज रॉन्ग हेयर बिकॉज इन केस ऑफ, आई राइट हेयर द नेम ऑफ दैट केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, द स्टेट एंड थ्रू एस पी ई एंड सी बी आई स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस एम कृष्णा मोहन AIR 2008. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द एनी पर्सन हु इज कंपेल्ड टू गिव देयर थंब इंप्रेशन इज नॉट हिटिंग, इट कैन नॉट बी हिटिंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20 clause 3. So, an accused cannot be compelled to give his thumb impression. Yes,
ही मे बी कंपेल्ड बाय द कोर्ट टू गिव हिज थंब इम्प्रेशन एंड ही कैन नॉट गेट द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड एन एक्यूज पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट द सेल्फ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन सो दिस थिंग इज देयर सो आंसर लुक एट योर ऑप्शन ए ए एंड आर ट्रू सो दिस इज रॉन्ग दिस वन इज फॉल्स एंड दिस वन इज ट्रू ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू सो क्लियरली आंसर यर ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 224 व्हेन अ रिट इशूज टू एन इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सीडिंग द ज्यूरिडिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इट इज कॉल्ड अ रिट ऑफ सो इन दिस रिट द एन इन्फीरियर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल on ground of exceeding the jurisdiction or acting contrary to the rule of natural justice so it is called a writ of certiorari so clearly answer here option a now question number 225 assertion a habeas corpus writ dismissed by supreme court can be admitted by high court under article 226 of constitution reason in exercising a writ jurisdiction the power of supreme court and high courts are concurrent option a both a and r are true and r is a correct explanation option b here both a and r are true but r is not a correct explanation option c here A is true but R is false and option D here A is false but R is true so it is clear here our answer option D because when Supreme Court dismiss any writ under article 32 which are related to fundamental right so High Court does not having power to grant that writ under article 226 if he dismiss that writ so High Court cannot pass that writ so this statement is wrong first statement but both courts having the concurrent power so that's why second statement is correct here so answer here option D now finish this video and if you like this video please click on like button and if you are still not subscribed our channel please subscribe it and please share our videos to your friends and relatives and other social media network thank you for watching Indian Judicial Service